दोस्तों हमारे पास आ चुका है वन प्लस एड गो, रिसेंटली लॉन्च हुआ था। मैसेज तो खरीद लेते हैं आपके लिए और यहाँ पे 100 रुपए में वन प्लस का ये कवर ही मिल चुका है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस 100 रुपए के आपसे बहुत ज्यादा अच्छी है। ग्रीन कलर का है ये, इसके ऊपर आपको मस्त लेदर वाला फिनिश है और टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे वन प्लस की मस्त ब्रांडिंग है, कैमरे का छेद है। मैंने वन प्लस की इंडिया वाली वेबसाइट से खरीदा है। अब बारी है टैबलेट की, टैबलेट हमने अनबॉक्स कर रखा है टेस्टिंग करने के लिए, आपके लिए खोल देते हैं। ये वन प्लस गो की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट का इमेज बहुत ही अच्छा सा और ये लाल और उजला वाला डिब्बा, वन प्लस का कलर थीम है भाई। वो ये रहा अपना टैबलेट रखा हुआ है, ये भी हमने ग्रीन कलर में मंगाया है। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज्यादा महंगा लगता है। नीचे मस्त मैट फिनिश है, ऊपर में ग्लॉसी फिनिश है जो काफी हद तक मिरर का काम कर सकती है और साइड से इन्होंने राउंडेड कॉर्नर्स दिए हैं। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील दे रहा है हाथ में। और भी देख लेते हैं मामला अंदर। वन प्लस का खूब सारा कागजात, सिमेशन पिन भी है, रेड वाला केबल। अब ये रेड केबल काफी सस्ता वाला है यार, और यहाँ पे आपको एक अडेप्टर मिल जाता है। 33 वॉट का चार्जर है जो भाई फास्ट होता है, मतलब अनबॉक्सिंग तो मस्त हो गई है। यहाँ पे थोड़ा कवर भी देख लेते हैं, जगह चाहिए भाई मेरे को। ये रहा अपना पैड, यहाँ से लग गया भाई। मैग्नेट भी है, अच्छा वाला मैग्नेट है। और क्या फिनिशिंग आती है यार, अब इसको होल्ड करने में तो और ज्यादा सही लग रहा है। और डेफिनेटली एक महंगा तगड़ा वाला टैबलेट लग रहा है ये। और यूज करना है टैबलेट को तो ऐसे करके इधर भी रख सकते हो। यहाँ पे वन प्लस ने 3-3 लाइन दे रखी है जहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। देखो ओ भाई, भाई मैग्नेट है यहाँ पे। भाई दिस इज सो स्मार्ट यार। भाई बहुत ही स्मॉल सी चीज है बट आपके एक्सपीरियंस में बहुत ही अच्छा ऐड करने वाली है। बिल्ड की बात करें, यहाँ पे आपको ऑल मेटल डिजाइन मिला है और ये वाला जो पार्ट है ना इसका, भाई फिंगरप्रिंट इसमें बहुत आते हैं। हल्का छू दो फौरन गंदा हो जाता है। इवन जो इसका फ्रेम भी है ना, ये भी आपको मेटालिक है। ठंडे का दिन आ रहा है, इसको छुओगे तो मस्त मनाने वाला ठंडे का आपको हाथों में लगेगा। रोटेशन की बात कर लेते, देखो भाई हर तरफ से रोटेशन करके काम अच्छा कर लेता है। और जो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक मिला है, ये हॉरिजॉन्टली तो मस्त काम करता है। देखो एक बार हमने दोबारा ट्राई करूंगा, काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे करके करूं मैं, घुमा के कर देता है ये, उल्टा ट्राई करते रहो, उल्टा भी कर रहा है। इधर से करे, यहां से नहीं कर पा रहा है। एक डायरेक्शन से अनलॉक में थोड़ा दिक्कत आएगा बट ठीक है भाई। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम लगी मुझे कि टैबलेट के अंदर कोई भी आपको एक्सेसरीज अटैच करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो इसके साथ आप कीबोर्ड अटैच नहीं कर सकते हो, पेंसिल अटैच नहीं कर सकते हो। ये वाला फीचर आपको वन प्लस टैब में मिलता है। वन प्लस गो को इन्होंने लॉक कर रखा है कि भाई थोड़ा बहुत ही काम होगा, अगर महंगा चीज चाहिए प्राइस आ दो। मुझे लगता है पेंसिल का सपोर्ट एटलीस्ट होना चाहिए था इसके अंदर। दोस्तों अब रिवील कर देते हैं इसका मुखड़ा। ये देखने में ही काफी महंगा सा लगता है ये टैबलेट। सबसे पहले डिस्प्ले में थोड़ा सा आपको ज्यादा बेजल मिल जाता है बट ये एक बजट टैबलेट है तो उसके हिसाब से नो कंप्लेंट्स एट ऑल। और अच्छी बात ये कि इस टैबलेट का जो कैमरा है आपको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया, जो ज्यादा प्रैक्टिकल पोजीशन है जहां पे आपको यूज करने में दिक्कत नहीं होगी। जब आप हॉरिजॉन्टली इसको यूज करोगे, ये वाले इंडेक्स फिंगर से यहां से आप इसका वॉल्यूम रॉकर्स कंट्रोल आराम से कर सकते हो और यहीं से आप इसका पावर बटन कंट्रोल कर सकते हो। और इनकेस अगर आप वर्टिकल यूज कर रहे हो तो भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। ये वाला डिजाइन उन्होंने कॉपी किया है पूरा पूरा आईपैड से, और अच्छी चीज कॉपी करना अच्छा रहता है। रियर साइड से आपको यहाँ पे बड़ा सा कैमरा मिल जाता है बट है तो ये बस 8 मेगापिक्सल का, तो बड़ी बात नहीं है। टॉप साइड में यहाँ पे आपको माइक्रोफोन मिल रहा है और इस तरफ है इसका टाइप सी पोर्ट, अगेन माइक्रोफोन, डॉल्बी एटमॉस, बिकॉज यहाँ पे आपको जो 4 स्पीकर मिल रहा है ये सारे आपको डॉल्बी वाले स्पीकर्स हैं, तो बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस आएगा। और यहाँ पे सिम स्लॉट भी है जिसके अंदर मेमोरी कार्ड लगेगा, क्योंकि हमने इसका कॉलिंग वाला वर्जन नहीं खरीदा। इसका डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, ये 11.35 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले है। और ये वाला टैबलेट देखोगे आप तो आपको बहुत हद तक आईपैड की याद आएगी, जैसे कि इसके अंदर आपको राउंडेड कॉर्नर्स मिल रहे हैं। और ये एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, बहुत अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है ये। आउटडोर में डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो अभी ब्राइटनेस काफी कम की हुई मैंने, जैसे इसको ऑटो ब्राइटनेस ऑन करता हूं मैं, फुल हो गई ऑलमोस्ट। इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छा काम कर रहा है। ऊपर से जो डिस्प्ले है 400 nits ब्राइटनेस के साथ आ रही है, आउटडोर में सही लग रही है डिस्प्ले। और अगर आउटडोर में कोई कॉन्टेंट देखना है कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी उसके बाद यूट्यूब वीडियो प्ले कर रहे हैं, 1440p 60fps मैक्सिमम सेटिंग से इसका वॉल्यूम कर लेते हैं फुल एक बार। बहुत बड़ा डिस्प्ले फील हो रहा है, देख रहे हो कलर्स बहुत ज्यादा पंची हैं और अच्छा फील हो रहा है। और एक बार स्पीकर पे देखते हैं, आज के मेरे फेवरेट है। कल सुन ललारिया वे भाई का आलोक मेरे ती दे नाल दी, सुनी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। सराउंड साउंड ऑफ स्पीकर इज अमेजिंग और इवन के बेस इसका बहुत ही अच्छा है। भाई इसको मैं कंपेयर करूंगा मैकबुक M2 एयर पे, वॉल्यूम फुल है। अब बारी है वन प्लस पैड गो की। वन प्लस ने इस प्राइस पॉइंट पे गजब का स्पीकर दिया है, ये भाई M2 को बीट कर रहा है सीरियसली। तो हाँ भाई मैं तो हिल गया भाई इसके स्पीकर सुन के। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और सेल्फी कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का, बहुत ही अच्छा मूव लगा है क्योंकि टैबलेट का सेल्फी कैमरा काफी यूज होता है। तो एक बार सेल्फी कैमरा से स्टार्ट करते हैं, पूरा हाथ फैला रखा है मैंने, अच्छा वाइड लग रहा है। ओके, कुछ कुछ फोटो ले लेते हैं। सेल्फी में ऑटो HDR मिल जाएगा आपको। ये वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों वन प्लस टैब गो से, और वीडियो में हल्का सा जिटर आ रहा है लेकिन अगर आप इसको स्टेबल रखते हो, वीडियो कॉलिंग करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। आप यहाँ पे 1080p 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। और रियर कैमरा से फोटो भी ले लेते हैं, ठीक ठाक फोटो आ रही, फोकस नहीं कर पा रहे इतना, स्टोरी की फोटो ले लेते हैं।
ठीक ठाक कैमरा, कलर बैलेंस ठीक ठाक कर लेता है, बहुत इंप्रेसिव कैमरा आपको टैबलेट में नहीं मिलता है। लेकिन आप इस सब्जी को क्या कहते हो कमेंट में बताओ। मैं कहता हूँ इसको तोरी, हर जगह पे लोग अलग अलग कुछ कहते हैं भाई। और ये रहे कुछ कैमरा सैंपल, आप देख सकते हो प्राइस के आपसे टैबलेट वाला ही कैमरा मिला है, बहुत इंप्रेसिव नहीं कहूंगा। और एक बार अगर इस पे नेटफ्लिक्स प्ले करते हैं, स्पीकर सच में काफी अच्छा है, इसका डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा वाइड है इसीलिए तो कुछ कुछ कंटेंट आपको कटने वाला है यहाँ पे। और डिवाइस में वाइड वन एल्बम का सर्टिफिकेशन मिल रहा है जो कि अच्छी बात है, तो आप फुल एचडी में कंटेंट एंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजॉन प्राइम पे। और जो टैबलेट बनाया गया है मोस्टली आपको एंटरटेनमेंट के लिए। और अगर सॉफ्टवेयर वाइज बात किया जाए, मल्टीपल एप्लीकेशन आपको एक साथ चल जा रहा है, यहाँ पे क्रोम चल रहा है, नेटफ्लिक्स भी चल रहा है, गैलरी भी चल रहा है, लेकिन आपको एक साथ एक ही एप्लीकेशन चलता है। और यहाँ से आप एक साइड विंडो भी ओपन कर सकते हो जहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, छोटे मोटे एप्लीकेशन यहाँ से खोल सकते हो जो कि आपको फ्लोटिंग विंडो में ही खुलेगा। और तो अगर आप ऐसे दो उंगली से खींचोगे तो एक लाइन आ जाती है भाई, और ये डिवाइड कर देता है इसको, यहाँ से प्ले स्टोर ओपन कर लो तो दो एप्लीकेशन आराम से जाएगा स्प्लिट स्क्रीन से। और अच्छी बात यहाँ पे है कि आप इसको टैप करके स्विच कर सकते हो एप्लीकेशन को, जैसे कि क्रोम में यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्रोम ओपन हो चुका है, यहाँ पे अब गूगल डॉक चल रहा है, रिसर्च यहाँ चल रहा है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट हो जाएगी। और बेस्ट टैबलेट पता है कौन कौन सा है, सैमसंग टैबलेट आ रहे हैं भाई। और दोस्तों रिसेंटली हम लोगों ने सैमसंग का A9 प्लस रिव्यू किया है, काफी सही टैबलेट है, जो सॉफ्टवेयर है सैमसंग का ना वो क्रेजी गुड है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो इसके अंदर मीडियाटेक का हेलियो G99 डाला गया। अब ये जो प्रोसेसर है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 10-12 हजार के फोन्स में आता है और इन्होंने 20 हजार के टैबलेट में डाल रखा है, लेकिन नॉर्मल यूज में कोई इश्यूज नहीं आ रहे। बट अगर आप गेम वेम खेल लोगे थोड़ा बहुत आपको जिटर दिखेगा, जैसे अगर उसके ऊपर मैं BGMI ओपन करता हूँ, यहाँ से आप गेम मोड के सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो, सारा नोटिफिकेशन ब्लॉक और डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए गेमिंग में। वैसे ग्राफिक्स देख सकते हो बैलेंस एंड HD पे हाई खेल सकते हो मैक्सिमम आप, कलर्स बहुत ही अच्छा है डिस्प्ले के। परफॉर्मेंस अभी देख लेते हैं, लाशे बना दी लाशे, गेमिंग परफॉर्मेंस से आ रही है, बट इसका टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो ज्यादा लग रहा है मुझे, और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लैग भी आ ही रहा है, तो गेम ठीक ठाक खेल पाओगे आप। भागो यहाँ से। तो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग नहीं कहूंगा मैं आपको, यहाँ पे ठीक ठाक गेमिंग हो पाती है, जो इसका टच रिस्पॉन्स है मुझे थोड़ा सा स्लो लगा है, और डिस्प्ले का साइज भी काफी बड़ा है, उस हिसाब से खेलने बहुत मजा आएगा आपको। डिटेल में गेमिंग के बारे में जानना है आप हमारे गेमिंग चैनल पे देख सकते हो, वहां पे इसका गेमिंग रिव्यू कंप्लीट आने ही वाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ पे वॉलपेपर का कलेक्शन दिखा देता हूँ, देखो भाई वन प्लस ने इस टैबलेट के लिए कुछ नए नए वॉलपेपर बना रखे हैं भाई, येलो वॉलपेपर बहुत मस्त लग रहा है देखने में, इससे डिस्प्ले का एक्चुअल में परफॉर्मेंस दिख रहा है, कितनी सही कलरफुल डिस्प्ले है ये। और अगर आपको वॉलपेपर डाउनलोड करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहां से जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। टैबलेट के अंदर यहाँ पे डार्क मोड दिया गया है, ये है इसका सेटिंग्स। ये लो वाईफाई वाला ही टैबलेट है, तो आपको सिर्फ वाईफाई मिलेगा, कॉलिंग वाला टैबलेट आप ले सकते हो लेकिन उसके प्राइस ज्यादा बढ़ जाती है। इस वाले टैबलेट को आप कैजुअल यूज के ले सकते हो, जैसे कि आपको मूवी देखना है, इसका स्पीकर बहुत ही अच्छा है, आपको जूम कॉल करना है, इसका कैमरा सही सही काम कर जाता है, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है उसके लिए आप ले सकते हो। और वन प्लस ने भी उसी हिसाब से इसको लॉन्च किया, इसको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बहुत सही लगा है मुझे, और डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी लगी है। प्राइस की बात करते हैं, 8+128GB वेरियंट जो है आपको 20,000 मिल रहा है, वहां पे बैंक ऑफर आप लगा सकते हो और बंडल में आप कवर भी ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बाकी सिम 8+128 22,000 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि मुझे उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है, उस प्राइस पे आपको थोड़ा सा और पैसे मिला के मी पैड 6 आप ले सकते हो। तो बस इतना ही था वन प्लस टैब गो के लिए, डेफिनेटली अच्छा पैड है, बट इसका बेस वेरिएंट ही लेना है तो आप लेना, अदरवाइज बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को देखते रहते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहां पे क्लिक करके खरीदना, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।